हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम टू यू इन मनीष एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि एकदम बढ़िया होंगे। और एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोग अब तक सारे पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको मैं बता दूँ, 2015-2016 का पहला पेपर, 2016 का दूसरा पेपर, 2017 का पेपर, 2018 का पेपर, 2019 का पेपर, 2019 का दूसरा पेपर, 2020 का पेपर और आज आपका अंतिम प्रश्न पत्र 2021 का। यानी कि अल्टीमेटली कितने क्वेश्चन पेपर आप कर चुके हों आपको याद होना चाहिए। देखो कितने हो गए टोटल, गिनते रहिएगा भैया। एक 2015 का, दूसरा 2016 का, तीसरा 2016 का दूसरा, है ना, तीन, उसके बाद में चार, ठीक, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ और आज ये आपका नवा, नाइन्थ क्वेश्चन पेपर है जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है, वो है आपका चैलेंजिंग वीडियो, उसका नाम ही हमने दे दिया है चैलेंजिंग वीडियो। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये मान के चलिए आपको मतलब बहुत अल्टीमेट लगेगा। किसका, कौन से सब्जेक्ट का है मैम? साइंस के डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर का ही है उस, वो वीडियो मतलब सरप्राइज ही रखेंगे हम। उस वीडियो के बारे में भी आपको कुछ नहीं बताएंगे, उसको हम जब भी रखेंगे उसकी टाइमिंग लगभग वही मान के चलिए आप, एक बार मैं सर से कंसल्ट कर लूँगी उसके बाद। वो सिर्फ एक वीडियो है लेकिन वो बहुत अल्टीमेट होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने आज, मैं आपको देखो तो 2021 का करवाऊँगी 2015 से लेकर के 2021 तक के सारे पेपर का सॉल्यूशन आपको एक वीडियो के ही माध्यम से मिल जाएगा। ये मैं उस वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ जो इससे पहले करी थी, वो दूसरा वीडियो, ये दूसरा, ये मैराथन क्लास होगी जिसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे 2015 से लेकर के कब तक के 2021 तक के। क्या मैम कितने घंटे की होगी? हमने कहा जो भी 3 से 4 घंटे की होगी होगी, लेकिन उसको हम लोग पूरा कर रहे होंगे। अगर आप सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं कि नहीं सच में बढ़िया नंबर आए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हम शुरू करेंगे आज का आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर। एज़ पर आवर स्ट्रेटजी आपको 5 जो MCQs हैं इनके क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, और जितने भी आपके 5 में से सही हो रहे हों ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लासेस की टाइमिंग सब आपको पता ही है, लेकिन अब हम एक साइंस का महामैराथन वीडियो देंगे आपको, और हम एक आपको क्या कैसा वीडियो देंगे, एक हम आपको ऐसा वीडियो देंगे जिसमें 2015 से लेकर के 21 तक के सारे पेपर सॉल्व करवाए गए होंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है आज का, ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए कि भैया जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या फिर चौड़ा प्रकाश, बताइए। प्रश्न संख्या एक। देखो भैया जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड लाइक दी सेशन एंड एज वेल एज शेयर ऑल्सो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर के चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है, तब आपका खंड चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? खंड चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी टमाटर, ठीक। ये क्वेश्चन का आंसर करो भैया जरा फटाफट से सभी लोग, और समझो बात को एक कि लगभग 90 क्लास से ज़्यादा आपकी हो गई है, यानी कि पूरी थ्योरी हमने आपको बुक से कंप्लीट कराई है, उसके बाद में हमने आपको एक ऐसी सीरीज कराई है जो अभी पूरे यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है। इट्स माई चैलेंज फ्रॉम यू ऑल कि ऐसी सीरीज कराइए जो पूरे यूट्यूब में अभी अवेलेबल ही नहीं है, किसी ने करा ही नहीं है आपको, ठीक है।
वो हमने आपको सीरीज़ कराई, उसके बाद में हमने जो आपको ऑर्डिनरी सीरीज़ हो चुकी है राजन पवन जो हर बच्चे के पास होती है, हमने सोचा चलो वो भी करवा देते हैं, हमने आपको वो भी करवा दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने आपको 2015 से लेकर के आज आपका 2021वां क्वेश्चन पेपर कर रहे हो आप। इसके बाद में क्या कराएंगे, इसके बाद में हमने कहा धमाकेदार एक वीडियो दूंगी, उसके बाद में आपको 2015 से 21 तक के सारे का रिवीजन मिलेगा। बीच में अब हम सिर्फ और सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करवाएंगे, MCQs प्रैक्टिस करवाएंगे। MCQs में आप लोगों को तो आना अनिवार्य है, कल से होगी आपके MCQs की प्रैक्टिस, चिंता ना करिए, ठीक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और अगर लैक्टिक शब्द कहीं मिल जाए कि लैक्टोज शुगर के, एक क्वेश्चन बन सकता है कि लैक्टोज शर्करा कहाँ पाई जाती है, तो बताओ भैया अगर क्वेश्चन बन जाए लैक्टोज शुगर या लैक्टोज शर्करा कहाँ पाई जाती है, तो तब आपको ऑप्शन में अगर आपको दूध मिले तो दूध सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक इनमें से कौन सा है, शीशा, सरौता, तराजू या फिर चिमटा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, द्वितीय वर्ग का जो उत्तोलक होगा वो आपका हो जाएगा सरौता, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके सामने, क्या है भैया, क्या है कि ज्वालामुखी का फूटना, ज्वालामुखी का फूटना क्या है, मंद परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन या अनियमित परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताइए भाई। प्रश्न संख्या चार, जल्दी से एकदम। तो यहाँ पर आपका देखो, रोज आपकी यहाँ पर 8 बजे क्लास चल रही है, ठीक है। आपको 8 बजे की ये जो विज्ञान की क्लास है ना, इसमें अब रोज MCQs मिलेंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत आएगी PG मैम इज ऑलवेज विद यू, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम हो जाएगा अनियमित परिवर्तन। तो ज्वालामुखी का फूटना क्या कहलाता है आपका, अनियमित परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताइए, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताइए क्या है, Na2CO3, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3 या फिर CaO। चूना पत्थर का पूछा गया है, क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रश्न संख्या पाँच बताइए। अब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। और इसको कहते क्या हैं, तो याद रखिएगा कैल्शियम, क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक बात और समझो, 2021 वाले पेपर में आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आप हमें बताना नहीं भूलेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जिनके 5 में से 5 हुए हैं सही उनको तो भैया एक्सीलेंट, जिनके 5 में से 4 सही हुए हैं उनको वेरी गुड, और जिनके 5 में से 3 सही हुए उनको गुड, बाकी लोग भैया बहुत मेहनत की ज़रूरत है अभी, हैं ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। एक बार सारे क्वेश्चन रीड करते हैं फिर करते हैं चल के। पहला क्वेश्चन है आपका, अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए, यानी कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है। फसल चक्रण क्या होता है, कल से आपकी क्लास कैसी होगी, लाइव होगी, कैसी होगी, लाइव, ठीक, MCQs का टेस्ट। फसल चक्रण क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया भैया फसल चक्रण क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हीं 2 कीट पक्षी पौधों के नाम बताओ, सामर्थ्य को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र बताओ, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर बताइए, टीकाकरण के बारे में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ऐसे कौन से क्वेश्चन है मैम जिसमें पूरे पूरे नंबर मिल सकते हैं, हमने कहा जैसे आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक, इनमें आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, मतलब कटेगा ही नहीं, जस्ट लाइक MCQs क्वेश्चन में पूरा नंबर मिलता है। तो पहले तो आपको अपना क्या मजबूत कर लेना है, MCQs और वेरी शॉर्ट, ताकि आप फेल ना हो, ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप ये भी अच्छे से कराओगे ना तो फेल नहीं होगे। तो MCQs और वेरी शॉर्ट की ही प्रैक्टिस अब मैं करवाऊंगी आपको, ठीक, क्योंकि टॉपिक क्लियर है सारे, जो टॉपिक ना क्लियर हो बता देना वो भी करवा देंगे। तो आइए चलते हैं चल करने क्या, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना, ठीक है भैया। अम्ल और क्षार में अंतर समझो,
अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और छार आपके स्वाद में कैसे होते हैं? तो कड़वे होते हैं, है ना। अम्ल के कैसे होते हैं? अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, और छार कैसे होते हैं स्वाद में, टेस्ट में? तो कड़वे होते हैं। ठीक है, एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, कौन? एसिड। एसिड क्या करता है? जो लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देता है? नीला लिटमस पेपर पे जब हम कोई भी एसिड डालते हैं तो वो अपने आप रेड कलर का हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये नीले से लाल हो रहा, तो ये क्या है? एसिड है। और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, कौन? बेस, जो आपका क्या होता है? क्षार। यानी कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो आपके लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जल में विलय होकर हाइड्रोनियम आयन, जल में विलय होकर क्या देते हैं? ये H प्लस आयन देते हैं, कौन? आपके अम्ल, जो आपके क्या होते हैं? एसिड। एसिड व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर, या व्हेन इट, है ना, इन गिव्स H प्लस, यानी कि हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जो आपके क्षार होते हैं ये जल में विलय होकर, यानी कि जल में घुल कर क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिड आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक, उसके बाद में जो आपके क्षार हो, जो आपके अम्ल होते हैं वो क्षारकों को उदासीन कर देते हैं, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और साल्ट बनता है, यानी लवण बनता है। तो ये जो अम्ल होते हैं ये क्षारकों को उदासीन कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रल कर देते हैं। वही जो अम्ल होते, जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं? जस्ट ऑपोजिट काम है, अम्ल क्षार को उदासीन कर देगा और क्षार अम्ल को उदासीन कर देगा। ठीक, तो क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं? अम्ल को उदासीन कर देते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, धातु कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जब कोई भी एसिड, समझो बात को, ये ऐसे हम लिख के बता रहे हैं, जब कोई भी एसिड किसी भी कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, कार्बोनेट का मतलब हमने कहा जैसे Na2CO3, CaCO3, जब कोई भी एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर रिलीज होगी। ये किसकी क्वालिटी है? एक एसिड की क्वालिटी है। वहीं अगर हम क्षार की बात करें तो धातु जो होते हैं वो कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस नहीं निकालते हैं, लेकिन इसमें जब भी कोई मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। ये आपका भैया हो गया क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि जो आपका एसिड और बेस में डिफरेंस पूछा गया था। इतनी बात समझ में आ गई होगी, होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्रण, आइए समझते हैं भैया क्या है। तो देखो, किसी खेती में, समझिएगा बात को, किसी खेती में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया की को, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, इसको हम क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्रण कहते हैं। ठीक, उसके बाद में अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि भैया भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि ऊपर की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए। ऊपर की उर्वरा शक्ति क्यों लिखा है मैम? अभी बताते हैं। ठीक है भैया, और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार की अदला बदली को हम फसल चक्रण कहते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई बंजर भूमि है, भैया यहाँ पर एक बार गन्ना का पेड़ लगाया गया, दूसरी बार फिर गन्ना का पेड़, तीसरी बार फिर गन्ना का पेड़। अभी जो इस मिट्टी में ऊपर 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 ह्यूमस था, या जो अल्टीमेट कह सकते हैं मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स कंटेंट, जो भी चीज़ें थी, वो क्या हुआ? इस पेड़ ने अवशोषित कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर गन्ना के बाद किसी और चीज़ की हम लोग खेती करते हैं, या हम लोग किसी और चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मान लो चावल है, चावल की, धान के बाद कोई और चीज़ लगाओ, हर बार 10 साल से धान लगाओगे, तो जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता होगी, यानी कि भैया पहली फसल में मान लो 1 किलो धान हुआ तो पता चले अगली बार 0.5 किलो हुआ, फिर पता चले अगली बार भैया 400 ग्राम हुआ, फिर पता चले 100 ग्राम हुआ, तो इस तरीके से उपज होने लगेगी, है ना। अगर सेम फसल आप बार बार बोते रहेंगे तो उससे होगा क्या? जो आपकी मृदा है उस जगह की, जो आपकी मिट्टी है, उसका जो आप कह सकते हैं कि जो भैया अच्छी मिट्टी वही होती है जिसमें ह्यूमस अच्छा हो,
पता चले मिनरल्स नहीं मिल रहा है, विटामिन्स, जो चीज़ें एक पेड़ को जायज होती है ना, जो एक फसल के लिए, वो सब कुछ उसको मिल ही नहीं पा रहा है। इसलिए फसल चक्रण का होना अति आवश्यक है, ताकि हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें निरंतर मिलती रहें, है ना। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था, दो कीट पक्षी पौधों के नाम बताने हैं, है ना। तो पहला तो हो गया आपका नेफेंथीस, क्या हो गया, पहला हो गया आपका नेफेंथीस, दूसरा हो गया आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। एक तो वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, दूसरा आपका नेफेंथीस हो गया, जो आपके ये दो कीट पक्षी पौधे हो गए। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, सामर्थ्य पूछा गया था। सामर्थ्य, सामर्थ्य को हम लोग क्या कहते हैं, पावर, क्या कहते हैं, पावर। किसी कारक के कार्य करने की समय की दर को उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता क्या है, W/T, है ना, क्या होता है, W/T। या हम ऐसे भी कहते हैं कि भैया कार्य करने की क्षमता को, है ना, पावर कहते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट, मतलब इसको आप अगर ये डेफिनेशन लिख दोगे तो ये मान के चलो कोई गलत नहीं कर पाएगा। एकांक समय में किया गया कार्य सामर्थ्य के बराबर होता है ना, एकांक समय में किया गया कार्य, है ना, वो क्या होता है, आपके सामर्थ्य के बराबर होता है। सीधी सी बात है, समय की जगह पे वन कर देंगे तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कारक सामर्थ्य था, है ना। तो यदि किसी कारक द्वारा टी समय में W कार्य किया जाता है तो क्या होता है, कारक की सामर्थ्य अगर हम निकालें तो कारक की सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय होता है। कार्य को किससे डिनोट करते हैं, W से, और पावर को किससे करते हैं, P से। यहाँ पर छोटा P लिखा है, ये छोटा P नहीं होगा, यहाँ पर बड़ा P बनेगा। बड़ा P का मतलब कैपिटल लेटर बनता है, P=W/T। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है पेपर में, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल का। ये एक अदिश राशि है, कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अब सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, तो समझो भैया MKS प्रणाली में सामर्थ्य का मात्रक वाट अथवा क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, वाट अथवा जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है कार्य तथा सामर्थ्य का संबंध बताना, क्या करना है, कार्य और सामर्थ्य का संबंध क्या है। यदि कोई कारक मान लो टी समय में W कार्य करता है, भैया मान लो कोई हो, आपने टी समय में यानी कि 10 सेकंड में सब्जी रोटी आलू का कचालू बना दिया, यानी W कार्य आपका ना है, तो आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वो कारक की सामर्थ्य गुणे समय अर्थात W/P/T के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके में पूछा गया था वेरी शॉर्ट में कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए समझिए कि भैया नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा में क्या अंतर होता है। देखो तो वे वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः किया जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा। और जिनका हम लोग यानी कि वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, और जिनका निर्माण ना किया जा सके या निर्माण होने के बहुत कम समय लगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, अनवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर का पॉइंट 2 देखिए भैया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा का। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आपके क्या है, नवीकरणीय साधन है। क्या है, नवीकरणीय साधन है। कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैसें हैं आपकी, ये क्या है, आपकी अनवीकरणीय ऊर्जा के साधन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप प्रदूषणकारी जो ऊर्जा है वो स्रोत होते हैं। इसमें प्रदूषणकारी जो ऊर्जा होते हैं वो स्रोत होते हैं, ठीक, यानी कि जो प्रदूषण मचाते हैं वही लोग क्या होते हैं, इस एनर्जी को उत्पन्न करने के लिए स्रोत होते हैं, सोर्स का काम करते हैं। और यहाँ पर जिनसे प्रदूषण नहीं फैलता, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे अल्टीमेट एग्जांपल है ना, ठीक है भैया। अब तो ये हो गए आपके क्या, एक क्वेश्चन पूछा गया था टीकाकरण क्या है, क्वेश्चन नंबर 11th। भैया COVID-19 का वैक्सीनेशन सबके 3rd डोज का समय हो गया है, लगवा लिया है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं लगवाया है तो लगा लो, टीकाकरण से याद आ गया। उपयुक्त समय पर रोग जनक की थोड़ी सी मात्रा
शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोगों के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण क्या कहलाता है? टीकाकरण कहलाता है। अभी इसमें इनको थोड़ी सी लाइन और देनी चाहिए थी ताकि एक आंसर और अच्छे से लिखा जा सकता। अब ज़रा एक बार आप लोगों ने वेरी शॉर्ट कर लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया? तो अब हम लोग करेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न एक बार सभी लोग फटाफट से पढ़ लेंगे, फिर हम लोग करेंगे चल के इनको कहाँ ऊपर रिटर्न फॉर्म में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, है ना? इंसीजर, कैनिन, मोलर, प्रीमोलर वाले अभी पढ़ेंगे चल के ऊपर, जिन्हें आप रचना कृंतक के नाम से जानते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? हमने आपको नवीकरणीय अनवीकरणीय अभी ऊर्जा बताई, यहाँ पर पूछा गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है, ठीक है। जीव कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। क्या करना है भैया? जीव कोशिका जो होती है उसका नामांकित चित्र बनाना है, यानी कि विद डायग्राम आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव बताने हैं, कि जो आपका ध्वनि प्रदूषण होता है उसके क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? धातुओं की चार विशेषताएं बताइए। प्राकृतिक और मानवकृत आपदा में अंतर बताइए। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं। अभी हम आपको लघु उत्तरी के प्रश्न भी एक एक करके सॉल्व कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा? सेशन को लाइक कर देना होगा, क्योंकि ये आपकी पेपर सॉल्व करवाने की अंतिम क्लास है। इसके बाद क्लास तो होगी लेकिन ये वाली तो नहीं होनी होगी, है ना? तो एक बार फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से जाइए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? तो लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखो भैया, लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं चल के, है ना? प्रश्न संख्या 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। दांत वाला क्वेश्चन था आपका पहला, कि भैया मनुष्य के में दांतों के प्रकार, तो पहले तो आप दांत समझाइएगा कि क्या होता है, उसके बाद में मनुष्य में दांतों के क्या प्रकार होते हैं ये बताना है। तो भैया मनुष्य के मुख में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला होता है आपका कृंतक या छेदक जंतु, जिनको आप क्या कहते हो भैया? इंसीजर कहते हो। ये दांत आपके कैसे होते हैं? बहुत अच्छे से समझ लो, दांत का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये दांत आपके कैसे होते हैं? धारदार होते हैं। कैसे होते हैं? धारदार होते हैं। इनकी संख्या 4-4 होती है। कितनी होती है? 4 इधर 4 उधर होती है, ठीक है। ठीक भैया, ये भोजन को छोटे छोटे से टुकड़ों में विभाजित करने के काम आते हैं। कौन से? आपके वृंतक दांत या छिदनक दांत, यानी कि दंत। उसके बाद में जो आपके रंधनक होते हैं या जो आपका भेदक होता है, इसका क्या काम होता है? तो देखो, कैनाइन जो होते हैं, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैनाइन कहते हैं। तो इन दांतों की संख्या कितनी होती है? 2-2 होती है। इन दांतों की संख्या कितनी होती है? 2-2 होती है। ये क्वेश्चन आप रट के जाएंगे एकदम, है ना? इन दांतों की संख्या होती है आपकी 2-2, और ये दांत छेदक दांतों की तरह, अब ये दांत छेदक दांतों की अपेक्षा लंबे और नुकीले होते हैं। जैसे अभी आपने ऊपर इंसीजर पढ़ा, तो उनसे अगर आप इनसे हम कंपेयर कर लें, तो उनसे ये वाले जो होंगे आपके, यानी कि जो रंधनक दांत होते हैं वो लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। अगर हम किससे कंपेयर करें आपके, तो इंसीजर से कंपेयर करें तो, है ना? ये दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। कौन से भोजन को फाड़ने का काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका वो, ठीक है। जैसे आपने टॉफ़ी फाड़ी तो साइड में देखो मम्मा लोग लगा के एकदम तुरंत छील लेते हैं, है ना, बच्चों को दे देते हैं टॉफ़ी, तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो ऐसी स्थिति में वो अपने किन दांतों का प्रयोग करती है? एक बार ध्यान से देखिएगा, ऐसी स्थिति में वो भैया रंधनक का प्रयोग करती हैं, भेदक का प्रयोग करती हैं। क्वेश्चन के इस क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट आपका क्या है? अग्र चवर्णक दंत, जिन्हें आप प्रीमोलर कहते हैं, इन दांतों के सिरे नुकीले होते हैं। किनके? जो आपके अग्र चवर्णक होते हैं, यानी प्रीमोलर्स होते हैं। परंतु कैनाइन दांतों की अपेक्षा ये कम नुकीले होते हैं। लेकिन अगर हम इनकी तुलना कैनाइन से करेंगे तो ये भैया इनकी अपेक्षा कम है, ठीक होती है। उसके बाद में इनकी संरचना 4-4 होती है, और इनका कार्य भोजन
को लुभाने और भोजन को किसके लिए किया जाता है, कुचलने के लिए किया जाता है। भाई कोई चीज़ में आपको भोजन लुभा रहा है, आपने आराम से उसको खाया, तो वो उसको कुचलने का काम कौन कर सकेगा, क्रशिंग का काम कौन करेगा, तो वो आपका अग्रचवर्णक जो होंगे, प्री मोलर्स जो होंगे वो करेंगे। उसके बाद में होती है आपकी एक दाढ़, जिसको क्या कहा जाता है, चवर्णक कहा जाता है ना। और ये आपकी कभी कभी तो शादी के बाद भी निकलती है, मम्मा बताती हैं कि भाई बहुत पेन होता है ना। तो जो आपके चवर्णक हैं या जो आपके क्या हैं, मोलर ग्राइंडिंग टीथ हैं या फिर आपकी दाढ़ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका भैया समझो, ये दांत मुख में पीछे की ओर होते हैं, क्या होते हैं, मुँह में पीछे की तरफ होते हैं तथा आकार में चौकोर होते हैं। ये देखो आप जब मिरर में ठीक से देखोगे ना, तो आपको ये वाले शेप जो है वो चौकोर दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, चार ऐसे एकदम ऐसे 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 करके दिखेंगे ना चौकोर। इनके सिरे तेज धारदार होते हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है। ये दांत अत्यंत मजबूत होते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 6-6 होती है। ठीक है भैया, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताओ क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण, अथवा भौतिक गुण का मतलब रंग, उसका अवस्था, उसकी आकृति, इनमें परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसकी रचना में कोई अंतर नहीं आता है। उन्हें हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे, है ना। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात की जाए भैया, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो ये मान लो साम दाम दंड भेद बता बन लगा दो, तब भी आपकी वो चीज़ वापस नहीं आ पाएगी जो एक बार रासायनिक परिवर्तन के थ्रू परिवर्तित हो गई है ना। तो इस पदार्थ में भौतिक गुण अथवा रंग, अवस्था आदि सभी कुछ बदल जाते हैं और साथ ही पादप की रचना भी पूर्ण रूप से बदल जाती है। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ निर्मित नहीं होता है, किसमें, भौतिक परिवर्तन में, लेकिन जो आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होता है, उसमें नया पदार्थ निर्मित हो जाता है। उसके बाद में कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में को प्राप्त कर लेता है। अगर हम इसमें कारण हटा देंगे तो इसमें मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना भैया। दूध से दही बना सकते हो, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हो, चाहे उसको ऊपर रखा हो, जमीन में रखा हो, है ना, चाहे जहाँ रखा हो। ठीक, उसके बाद में भैया जो आपका फिजिकल चेंज होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, इसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें पदार्थ के संगठन में क्या होता है, परिवर्तन आपका हो जाता है, किसमें, रासायनिक परिवर्तन में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जंतु कोशिका का नामों के साथ में चित्रण बनाओ। ये फिगर आपका कोई बहुत अल्टीमेट नहीं बना है, आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, यानी कि नेट से प्रैक्टिस करना है आपको, थोड़ा सा लार्ज फिगर बनाना है। ये आपकी जंतु कोशिका का फिगर है, सबसे बाहर इसमें आपकी एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब देखो ये कोशिका झिल्ली के अंदर ऐसे डॉट 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 करके इन्होंने क्या भरा है, कोशिका द्रव्य भरा है। ये क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। यहाँ पर आपका क्या पाया जाएगा, माइटोकांड्रिया, जिसको आप क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहीं पर आपकी ये रिक्तिकाएँ पाई जाएंगी, ये जो है आपके ये क्या है, सेंट्रोसोम है। ये जो है आपका ये पूरा, ये आपका क्या है, केंद्रक के अंतर्गत पाया जाएगा। उसके बाद में केंद्रिका अंतःप्रद्वयी जालिका, केंद्रिका ये जो आपको ऐसे दिख रहा है ना, इसके सामने ऐसे 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 गोल 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 गोल, ये आपकी केंद्रिका अपद्रव्यी अंतर पदिका क्या है, जाली, अंतःप्रद्वयी जालिका है ये आपकी। उसके बाद में ये आपके क्या है, राइबोसोम्स हैं। हर एक आदमी का अपना अलग अलग काम है, एकदम अलग अलग चीज़ें। ये आपका क्या होता है, लाइजोसोम होता है। क्या होता है, लाइजोसोम होता है। ये आपके जंतु कोशिका का क्या है, सचित्र वर्णन किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था ध्वनि प्रदूषण से संबंधित, किससे संबंधित, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित। देखो भैया लाइक कर दीजिए एक बार भाई आप लोग, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल। ध्वनि प्रदूषण, सामान्य बातचीत की ध्वनि से तीव्र ध्वनि शोर कहलाती है। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है और अतः हम क्या कह सकते हैं, शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, है ना। हानिकारक प्रभाव क्या होता है, तो ये ध्वनि समझिएगा जो होती है वो बहुत तेज होती है, है ना। तीव्र ध्वनि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है और कार्य करने की क्षमता को क्या कर देती है, घटा देती है। शोर से बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं। शोर का प्रभाव मनुष्य के स्नायु तंत्र पर भी पड़ता है।
और देखो शोर से आपका रात्रि में देखने की क्षमता जो होती है ना उसमें भी कमी हो जाती है और रंगों की पहचानने में भी कमी हो जाती है ना, ये भी प्रभाव देखे गए भैया। शोर से जो हृदय होता है, जो मस्तिष्क होता है, इसके अतिरिक्त भी आपका लीवर को भी नुकसान पहुंचता है। और यदि 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि मनुष्य के लिए क्या होती है, हानिकारक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने से डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वो हानिकारक होती है, तो याद रखिएगा 90 से अधिक यदि होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित। रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन अथवा संलयन से मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, नाभिकीय ऊर्जा कहेंगे। जब यूरेनियम के नाभिकों पर कम गति के न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है, यानी कि जैसे ये न्यूट्रॉन, जब यूरेनियम के नाभिक, जैसे मान लो ये भैया क्या है, यूरेनियम है और ये यूरेनियम का नाभिक है, अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग जो कम आपका उसका क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा, इसके हम लोग क्या कराएंगे, बमबारी कराएंगे, यानी कि ये न्यूट्रॉन को हम लोग यहाँ लाएंगे, तब इससे एक एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, इससे एक एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो समझिएगा भैया, तो कम गति के न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो यूरेनियम दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है और इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं, तथा जिस निकाय में नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय भट्टी अथवा न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। फिर नियंत्रित नाभिकीय विक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा आपकी नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है। दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाएं से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन। तो किस तरीके से हम लोग नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, पहला तो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं नंबर एक पॉइंट नाभिकीय संलयन से, जब ये और ये आपस में क्या हो, मिल रहे हों। दूसरी हम लोग प्राप्त करते हैं नाभिकीय विखंडन से, जैसे ये टूट गया बीच से, ये इधर भाग रहा और ये इधर, इस तरीके के दो केसेस होते हैं जब हम लोगों को क्या मिलती है, रेडियो एक्टिव, ये हम लोगों को क्या मिलता है, नाभिकीय ऊर्जा मिलती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु क्या होती है, तो धातु क्या होते हैं भैया, ऑल दो सब्सटेंस, देखो ऑल दो सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एलिमेंट्स। देखो वो सभी तत्व जिनमें ऊष्मा और विद्युत धारा का चालन हो सके उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, क्या कहेंगे, धातु। तो वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, और वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे आपका लोहा, धातुओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, आइए समझते हैं क्या विशेषताएं होती हैं आपके धातुओं की, क्या विशेषताएं होती हैं मेटल्स की, ठीक है भैया। तो शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है, चमकदार होती है। धातु के इस गुण को हम लोग क्या कह सकते हैं, धर्म को धात्विक चमक कहते हैं, क्या कहते हैं, इस गुण धर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। मतलब धात्विक चमक का मतलब होता है जो शुद्ध रूप में धातु होती है इनकी सतह कैसी होती, चमकदार होती है। धातुएं सामान्यता कैसी होती, कठोर होती है, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा मेटल है, ये आपके लिए क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चक्कू से भी काट सकते हैं, समझो बात को। सारे तो जो सभी धातुएं होती हैं वो एकदम कठोर होती हैं, मान लिया, लेकिन ऐसी भी धातु है जिसको आप चक्कू से आसानी से काट सकते हैं, क्या मैम, सही मैम ने कहा, हाँ केक के जैसे काट लो आप चक्कू से उसको, तो आपने कहा, आप बताइए, आपने कहा नहीं मैम आप बताइए, चलो हम ही बता देते हैं, कौन सी होती है वो, सोडियम, जिसको आप कैसे लिखते हो, कैपिटल एन और स्मॉल लेटर ए से, इसको क्या कहते हैं, सोडियम। ये एक ऐसी धातु है जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, चक्कू से काट भी सकते हैं। क्वेश्चन इसका क्या है, पॉइंट नंबर 3, इसकी क्या विशेषता होती है, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है और इस गुण धर्म को हम क्या कह सकते हैं, आघात वर्धनीयता। क्वेश्चन आपसे कोई भी आए और पूछ ले कि बेटा आघात वर्धनीयता क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि कुछ धातु ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम पीट पीट कर शीट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पतली चादर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ये गुण का, ये जो गुण है वो आघात वर्धनीयता का है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ कुछ धातुओं में होता है, लेकिन अगर आप चाहो कि नॉन मेटल्स में हो जाए तो अधातु में नहीं होगा,
जैसे ही आप लकड़ी से शीट बनाने चलोगे वो भुरभुरी होकर के क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन शीट नहीं बदल पाएगी। आप देखिए सोने को कितना पीटा जाता है कि वो एकदम पतली चद्दर जैसा बन जाता है ना, और फिर उसी में आभूषण उससे बनाए जाते हैं मदद से। धातु के पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, टेंसिटी। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो आपका सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भैया, प्राकृतिक और मानवकृत आपदा में क्या अंतर होता है, ह्यूमन और मैन मेड डिजास्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट क्या है भैया, ये आपदा जो प्राकृतिक कारणों से घटित हो उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। जो मानव कृत आपदा होती है, जो आपका मैन मेड डिजास्टर होता है, ये क्या करेगा, तो समझो भाई वे आपदा जो मानवीय क्रियाकलापों से प्रकृति में उत्पन्न हो वो मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे आपका भैया समझो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, है ना, और सुनामी आदि आपदाएं प्राकृतिक कारणों से होती हैं, इसलिए ये प्राकृतिक आपदा कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन है, जैसे आपका आतंकवाद सांप्रदायिकता है ना ढंग से आगे घटनाएं मानवों के क्रियाकलापों से घटित होता है, इसलिए इसे मानवकृत आपदा कहते हैं। भैया सीधी सी बात है, मानवकृत आपदा किसकी वजह से होगी, मानवों की ही वजह से होगी। तो करेक्ट यहाँ पर अब आपको एक जवाब देना है कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पेपर किए हैं उन सबके क्या स्कोर रहे हैं 5 में से, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलना है। आज तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि आपका सारे 2015 से लेकर के 18 तक के पेपर 19, 20, 21 यहाँ तक कि जिनके पार्ट 1 और 2 में थे उन तक को हमने सॉल्व करवाए हैं। अगर आप ये पेपर भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आप हमारा, आपका DLED एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक। अब एक बार आप लोग क्या करो भैया, फटाफट से अपनों के लिए लिख दो, है ना। तो फिर करेंगे सेशन को यहीं से एंड। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। और एक नंबर स्क्रीन पे लिख दे रहे हैं हम, 94 11 96 91 20। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई पेट दर्द, समस्या कभी भी कहीं भी, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नोट्स लेना है तो भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं यदि कोई काम है तो, 94 11 96 91 20 पर, ठीक। ये थी आज की आपकी अंतिम क्लास, ठीक। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे MCQs की, ठीक। और सेशन को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। ये थी एक छोटी सी जानकारी, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।